हम इन्वेस्ट करना ही बंद कर देंगे किसी भी चीज के ऊपर, अब बिजनेस हो चाहे, ये भी तो बिजनेस ही है, एक बिजनेस पर्पस से ही हम लोग कर रहे हैं, अपने घर में खाने के लिए तो लगा नहीं रहे। अगर हम बिजनेस के पर्पस से देखें तो फायदेमंद नहीं होगा, तो किसान को तो नुकसान है। जी आपका निकल गया होगा। पूंजी तो भैया मैं लगाया ही नहीं हूँ एक हिसाब से। अच्छा। मैं इसमें खर्चा आप बोलिएगा तो मैं 0%, हकीकत आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैं बरबट्टी करीबन हो गया होगा 10-12 साल से लगा रहा हूँ। क्या ये मेरा 15 दिन का पौधा है, 15 से 20 दिन का। बीज लगाए डायरेक्ट? हाँ बीज लगाया हूँ डायरेक्ट, दो दो बीज। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। हम लोग आज एक बहुत महंगी वैरायटी के साथ में खड़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे हम लोग हैं बरबट्टी के खेत में, और इसका जो रेट है अभी ना वो 50+ है। तो ये भी एक बहुत हैंडसम मार्जिन वाली खेती हो चुकी है और लागत इसमें बहुत कम लगती है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए हमें। नमस्कार, मैं सुशील सरकार जी, ग्राम डिगमा जी, अंबिकापुर के पास में है ये। जी जी जी, मुझे आपसे थोड़ा कुछ चीज़ें जानकारी लेनी थी। सबसे पहले तो एक बार रेट बता दीजिए ना। अभी तो भैया 60-70, मेरा बरबट्टी तो 60-70 ही बिकता है। आपको दया नहीं आता कि इतना महंगा? अब तो भैया बताइए, 5 रुपये किलो ही बेचा हूँ, ऐसा बात नहीं है। जिस टाइम 5 रुपये बेचा हूँ उस टाइम मेरे को भी तो दुख हुआ है। बिल्कुल। तो अभी कितने दिन से आपको ऐसा रेट मिल रहा है? लगभग लगभग मैं जब से बेच रहा हूँ तो मैं शुरू से ही 50 से ही चालू किया हूँ। कितना हार्वेस्टिंग हो गया है इस खेत? मेरा लगभग 16-17 दिन तोड़ाई हो गया है अभी तक। और कितने दिन के गैप में तोड़ रहे हैं? मैं एक दिन दो दिन तोड़ता हूँ, एक दिन गैप देता हूँ, मतलब हर तीसरे दिन तोड़ाई है। 15-16 आप तोड़ाई कर चुके हैं और 50 रुपए से आप शुरू किए हैं। ईमानदार, आज भी 60 रुपए बिका है मेरा बरबट्टी। कितना निकाल इस खेत में अभी तक? मैं मेरे को लग रहा है मैं 60-70 हज़ार बेच चुका हूँ। बेच चुके हैं? हाँ। और कितने जगह पे लगाए? लगभग आधा एकड़ जैसे होगा, मात्र आधा एकड़ में। हाँ। 50-60 हज़ार निकाल चुके हैं। अभी जो निकलेगा वो बोनस है, मुझे लगता है पूंजी आपका निकल गया होगा। पूंजी तो भैया मैं लगाया ही नहीं हूँ एक हिसाब से। मैं इसमें खर्चा आप बोलिएगा तो मैं 0%, हकीकत आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट है मेरा। अच्छा, कैसे? अभी तक मैं इसमें मैं कुछ मतलब कि बेसल में मैं कुछ ज़्यादा खाद डाला नहीं हूँ, वही यूरिया DAP सुपर फास्फेट वगैरह ही डाला था। अच्छा। और ऐसे ही मैं सोचा कि लगा देता हूँ, अगर हो गया तो अच्छा है, देखते हैं। नहीं होगा तो देखा जाएगा। देखा जाएगा। ये बताइए, क्योंकि मेरे पास बीज था एक साल पहले का रखा हुआ, तो मैं अच्छा, सोचा काम करता है। हाँ, वो मैं इसीलिए तो लगाया, मैं सोचा कि जर्मिनेशन अगर हो जाता है तो हार्वेस्टिंग भी उसमें जरूर होगा, अगर फल अगर जर्मिनेशन हो गया बीज तो फल आएगा। अभी अभी आप कुछ दवाई नहीं चला रहे इसमें? अभी इसमें मैं वो कीड़ा मारने के लिए चलाया हूँ, वो काइट करके अभी आज लाया था, भैया दिए थे, पता नहीं अब कैसा काम करेगा। डंक मारने वाला कीड़ा, डंक और लेमडा भी चलाया हूँ साथ में। तो ये खर्चे में अगर देखा जाए तो मोटा मोटी एक बार मुझे बताइए ना, इसमें आप मल्चिंग लगाए क्या? हाँ मल्चिंग लगाया ना। मल्चिंग लगाए और मतलब पूरा कॉस्ट मिला के अगर मैं इसमें बताऊं तो अभी तक मैं 10 से 12 हज़ार ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया। हाँ, मात्र 10 से 12 हज़ार ज्यादा खर्चा किया हूं। अच्छा, तो लगभग 50-60 आप निकाल चुके हैं। हाँ, 50-60 तो उम्मीद है कि रेट डाउन होगा? नहीं अभी तो उम्मीद नहीं, अभी तो सावन चढ़ रहा है भैया, रेट अभी कम से अभी कम तो 80-100 जाने वाला है। इसकी सेवा करिए, आपको बहुत पैसा। इसका मेन है ना, ये चियाताई बरबट्टी से ज्यादा बेटर है। ये कौन सा वैरायटी? ये वैरायटी है अक्षय का। अक्षय का? हाँ, अक्षय का क्या बोलते हैं, रेणु का। अच्छा, सुभद्रा है अक्षय का। सुभद्रा? हाँ, अक्षय का सुभद्रा बहुत प्रचलित है अभी, लोग बहुत फेमस है भैया। इसको मैं पहले भी लगाया हूँ, मैं 3 पार्टी में से मतलब ये 3 जो दिख रहा है इसमें से मैं 50-60 किलो बरबट्टी तोड़ा हूँ, इतना फ्रूटिंग था मेरे। इसके में वजन भी आ रहा है? हाँ, ये ज्यादा क्वालिटी में बिकता है ना भैया, ये मतलब मैं ले जाता हूँ ना तो सबसे पहले मेरा बरबट्टी बिकेगा, उसके बाद चियाताई। ऐसा है क्या? चियाताई भी मेरा उधर लगा हुआ है। वो अभी छोटा है पौधा। इसमें एक बार खूटा रस्सी बता दीजिए ना, कितना जरूरी है इसमें रस्सी खूटा लगाना? तो जमीन में नहीं होता क्या? नहीं होगा भैया, यही चीज तो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मतलब धागा लगाना और ये खूटा तो सबसे मेन है। अच्छा। अगर नार ऊपर में नहीं रहेगा तो नीचे रहेगा तो इसमें फ्रूटिंग होगा ही नहीं। और दूसरी बात, अभी बरसात का सीजन है तो पूरा जितना फल लगेगा सब सड़ जाएगा और जमीन में। हाँ, फंगस लग के सड़ जाएगा पूरा। ये टंगा हुआ तोड़ने में भी साइड से आप? अब क्या, मैं बरबट्टी करीबन हो गया होगा 10-12 साल से लगा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र वही
27 साल 28 साल जैसे, और आप 16-17 साल हाँ, से काम कर रहे हैं एकदम। मैं बचपन से ही खेती बाड़ी, मेरे पापा बचपन से ही खेती बाड़ी कर, उनके बाद मैं ही कर रहा हूँ अभी। अच्छा, तो ये हाईटेक खेती मतलब इसको टेक्नोलॉजी खेती है क्या? ये 2012 के बाद से मैं ये ड्रिप वगैरह लगाया हूँ, उसके बाद से ही मैं एक्चुअली बताऊँ तो मैं जब ड्रिप लगाया उस टाइम पे भी मैं बरबट्टी लगाया था। बरबट्टी लगाया था पहला खेती आपका? हाँ, बरबट्टी था, और उसमें जो फ्रूटिंग था उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। पहली बार जब आप किए? हाँ, पहली बार। ये बताइए कि हाईटेक खेती में आने के बाद में आपको अंतर पता चलता है दोनों? हाँ भैया एकदम। कितना परसेंट? बहुत ज्यादा भैया। लोग ना बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, लोग ना कई बार उड़ीसा हो गया या गुजरात हो गया, बिहार झारखंड, वहाँ के लोग का कहना है कि इतना खर्चा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा मल्चिंग लगाना ड्रिप लगाना, तो ये फायदेमंद है कि? भैया मेरे को लगता है कि अगर हम इन्वेस्ट करना ही बंद कर देंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, अब बिजनेस हो चाहे, ये भी तो बिजनेस ही है एक पर, बिजनेस पर्पस से ही हम लोग कर रहे हैं, अपने घर में खाने के लिए तो लगा नहीं रहे हैं। अगर हम बिजनेस के पर्पस से देखें तो फायदेमंद नहीं होगा, तो किसान को तो नुकसान है। अभी जिस हिसाब से रेट है, आप ही सोच के देखिए, अगर इंसान 15,000-20,000 भी खर्चा कर रहा है, अगर 1,00,000 का बेच रहा है तो अपना जॉब करके भी उतना नहीं कमा पा रहा है आज के डेट में, जितना महंगाई है। बिल्कुल नहीं कमा सकता। तो आप 15-17 साल से काम कर रहे हैं, अनुभव तो खूब होगा, एक बार मुझे बेसल डोज की जानकारी दे दीजिए आप। भैया मैं इसमें बेसल में मैं फ्यूरी डाला हूँ और काटअप डाला हूँ और DAP पोटास और क्या बोलते हैं आपका, अरे बायोजैविक में कुछ एक दो आइटम डाला हूँ बस। अच्छा, सागरिका जैसे? हाँ जैसे, हाँ जैसे आनंद विशाल। आनंद विशाल हाँ बस, उसके अलावा भी हमें इसमें 1 रुपये खर्चा नहीं किया हूँ। अभी क्या चला रहे हैं इसमें? अभी मैं सिर्फ ऊपर से स्प्रे कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जड़ देखिए बहुत मोटा हो गया, इसमें निमेटोड लग चुका है ना, ये देखिए। अच्छा, इसमें निमेटोड का प्रॉब्लम आता है? हाँ भैया ये निमेटोड ही है, ये देखिए ये दिख गया। हाँ। इसीलिए मैं इसमें जड़ से खाद नहीं दे रहा हूँ। दो पौधा लगाए थे? हाँ, दो पौधा लगा है इसमें, तो एक इसमें से डैमेज हो गया। हाँ, एक है तो ये निमेटोड इसमें भी लगता है? अरे इसमें बरबट्टी में सबसे अधिक लगता है, हम लोग समझते थे कि नहीं, भाटे में लगता है आपका, भाटा टमाटर उसमें भी। हाँ, मेरा इसमें पिछले साल ग्राफ्टिंग वाला भाटा लगा हुआ था, पूरा मर के साफ हो गया था नीचे से, पूरा नहीं बच पाया, नहीं बचा पाया भैया, फिर उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा, मतलब कॉस्ट निकला मेरा जितना मैं कॉस्ट लगाया था। तो क्या प्रोडक्शन होता रहता है और मरता रहता है। हाँ। उसका वैसा है। मैं इस बार भी ग्राफ्टिंग के लिए सोचा था, लेकिन थोड़ा सा पैसा का इधर इशू हो गया। अगर इसमें कमा रहे हैं तो फिर क्या जरूरत? अभी मेरा उधर लगा है और लगेगा, अभी पूरा नीचे में भी। एक बार उधर भी देखेंगे आपका। बिल्कुल भैया। दादा एक चीज बताइए, आप बताए की इसमें आज दवाई डाले हैं और कल ये बाजार में जाएगा, तो ये दवाई का असर नहीं रहेगा? भैया इसके बारे में तो मैं जहाँ तक बोलूंगा वो तो रहेगा ही, दवाई है तो असर तो रहेगा, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि चूल्हे में जाने के बाद इस जो पकने के बाद थोड़ा अब कम हो जाता है इसका असर। तो ये इसका कोई ऐसा उपाय नहीं है? ये आप लोग नहीं कभी चाहते हैं कि ये सब? हम लोग तो खुद चाहते हैं कि भैया ऐसा कुछ केमिकल आए जिससे इंसानों को तो हार्मफुल ना हो। हाँ। मतलब बोले तो नहीं, ऑर्गेनिक में भी आ रहा है। हाँ। दवाई, लेकिन ना वो भी नुकसान करता है। मैं इसमें सब प्रकार का दवाई डाल के देख चुका। हाँ। मैं परेशान हो चुका हूँ झिल्ली कीड़ा से बहुत ज्यादा। हाँ। स्पोनस डाल के देखा, स्पोनस 2-3 दिन काम उसका असर रहता है, उसके बाद फिर उसका भी खत्म हो जाता है। अभी आज नया दवाई लाया हूँ फर्स्ट टाइम, उसको चलाया हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा, तो आप लोग डिमांड करिए कंपनियों से ही कुछ ऐसा दवाई बनाएं जो कीड़े मकोड़ों को असर करे, इंसानों को ना करे। सही बात है, तो क्योंकि नहीं तो खाने वाले तो हम आप ही हैं, आप तो हमारे बच्चे ही हैं। अरे भैया उस चीज़ को तो हम समझते हैं, लेकिन हाँ। उपाय उपाय हम कैसे निकालें जब वैज्ञानिक लोग नहीं निकालेंगे तो? चलिए एक बार हम वो खेत देखेंगे आप। चलिए, इसमें मैं भाटा लगाने वाला था, तो दूरी देख रहे हैं कितना हो गया। मैं आपके नए वाले खेत में हूँ, और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या आती है अगर बरबट्टी मैं लगाना चाहूँ? भैया इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ देखा जाए, इसमें सबसे अधिक निमेटोड का आक्रमण रहता है जड़ में। जड़ गलन का? हाँ, नहीं जड़ गलन नहीं। हाँ। इसमें जो जड़ है ना भैया वो मोटा हो जाएगा और इस एक खाद मतलब खा नहीं पाएगा कुछ, किसी प्रकार का खाद इसमें डालिएगा। हाँ, ब्लॉकेज आ जाएगा, जैसे गलघेटू मान लीजिए, इसमें वही प्रॉब्लम सबसे अधिक है। वो नहीं आता डाउनी पाउडर क्या क्या बोलते हैं? आता है भैया, उसके लिए तो डाउनी पाउडर के लिए एक स्प्रे की जगह देखिए। हाँ। उसमें लग रहा था वो। हाँ। फंगस वाला। अच्छा। बीमारी एक स्प्रे किया हूँ ठीक हो गया, देखिए पत्ता। अच्छा, आ गया वाला। उसका इलाज आसान है? आसान है, लेकिन निमेटोड का इलाज सबसे अधिक कठिन बोला जाए तो,
क्योंकि वो सबसे अधिक नुकसान करता है पौधे को। हम लोग एक बार धागा बंधाई का भी आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें भी कोई टेक्निक है कि नॉर्मल जैसे बांधते हैं वैसे ही बंधा जाता है आसानी से? भैया ये तो मैं लेबर से ही करवाता हूँ। हाँ, इसको एक राउंड ऐसे लेके जिगजैग पर तिरछा करते जाएंगे। उन लोग का ज्यादा नॉलेज है ना। अब ये खुद ही पकड़ लेगा या इसको अभी पकड़ाएंगे आप? अभी पकड़ाऊंगा एक बार पकड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये क्या है हवा के चक्कर में ये इधर उधर गिर गया है, इसको एक बार पकड़ाऊंगा। ये कितना जगह में, हम लोग नया खेत देख रहे हैं। ये वाला मेरा आधा एकड़ का प्लाट है। तो लगभग इसमें कितना पूंजी आपका लगा होगा अभी तक? भैया अभी मैं आपको बोलूंगा फिर विश्वास नहीं करेंगे शायद, लेकिन इसमें मैं बेसल डोज, देखिए पौधा का कलर देखिए, इसमें बेसल डोज जीरो है। मैं इसमें सिर्फ फ्यूरी और ओच डाला हूँ काटअप। अच्छा, इसमें मैं भाटा लगाने वाला था, ये जो दूरी ज्यादा हो गई इसमें, आप लोग दोनों देख ही रहे हैं आप। हाँ, इसमें मैं भाटा लगाने वाला था लेकिन ग्राफ्टिंग मैंने लगा नहीं पाया, तो मैं इसमें उसी उद्देश्य से मैं इसमें काटअप और फ्यूरी डाला था बस, और कोई बेसल डोज नहीं। अच्छा बना है पौधा, देखिए भैया कोई बीमारी और अभी तक नहीं दिख रहा है और पौधे का ग्रोथ भी ठीक है। ये मेरा 15 दिन का पौधा है, 15 से 20 दिन का। बीज लगाया डायरेक्ट? हाँ बीज लगाया हूँ डायरेक्ट, दो दो बीज, 15 से 20 दिन का पौधा है। करीब एक महीने में ये प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। हाँ लगभग लगभग, इसमें तो जड़ से ही फूल आना चालू हो जाता है, ये देखिए ये हम लोग कहीं कहीं देख रहे हैं। हाँ, इसमें दिखना चालू, इसमें फ्रूटिंग तो जड़ से ही चालू हो जाता है। ये चियाताई का क्वालिटी बताया, ये चियाताई लगाया हूँ भैया, ये चियाताई। हाँ, और उधर जो लगाए हैं वो अक्षय का है, सुभद्रा सुभद्रा लगाए। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो घास उगा हुआ है ये आप रखे हैं या फिर इसको निकालना? नहीं भैया इसको निकालना है। हाँ, इसके लिए कल मेरा लेबर लोग आएंगे इसको निदाई करने के लिए। अच्छा, और ये बीच वाला मैं घास मारने वाला दवाई स्प्रे करूंगा। अच्छा, जिससे पूरा मर के साफ हो जाएगा, खेत भी अच्छा रहेगा, जिससे कीड़ा मकोड़ा इसमें कम लगेगा थोड़ा। घास रहने से थोड़ा कीड़ा? हाँ, इसमें थ्रिप्स वगैरह बहुत ज्यादा लगता है, डंक मारता है तो बहुत सारी बीमारियां इसमें आक्रमण कर देता है ना। अच्छा, तो आप इसमें जो मल्चिंग लगाए हैं वो कितना माइक्रोन लगाए हैं कुछ आपको अगर बताना चाहिए? भैया ये 20 माइक्रोन का मल्चिंग लगाया हूँ। ये बैगन के लिए था, आपने बरबट्टी? वो 25 माइक्रोन है एक पार्टी का बस। ये बैगन के लिए? हाँ, उसमें बैगन के लिए मैं सोचा था 25 माइक्रोन ही लाया था मैं लगाने के लिए, लेकिन फिर मेरा क्या है मेरा मेड़ थोड़ा पास पास में बन गया तो मेरा भाटा लग नहीं पाएगा, क्योंकि भाटा लगने के बाद भर जाएगा वो दूरी, उस टाइप से हुआ नहीं तो मैं उसको कैंसिल करके मैं फिर बरबट्टी लगा दिया इसमें। तो आपको लगता है फायदा का सौदा होगा? हाँ भैया बिल्कुल। इसमें तो मेरा 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 मानना है कि अगर पौधा अगर बन गया तो 1-1.5 लाख तो मैं पहुँचा ही दूंगा इस बार। तो आपका कॉन्फिडेंस देख के और लोगों को ऊर्जा मिलेगी। कोई नया फार्मर को क्या लगाना चाहिए अगर कोई नया किसान? भैया मेरे हिसाब से अगर कोई नया फार्मर अगर खेती करना शुरू करे तो डोड़का बरबट्टी से ही शुरू करे, क्योंकि उसको पूंजी बनाना रहता है। हाँ, एक बार में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर हम सोचते हैं कि ग्राफ्टिंग में जाएंगे सीधा तो ग्राफ्टिंग में तो सीधा भैया 1-1 लाख का प्रोडक्ट लगता है। मतलब प्रोडक्शन 1 लाख का हम डालेंगे उसके बाद ही हमारा होगा कुछ रेट मिला तो। हाँ, मिला तो नहीं तो फिर गया अपना। तो ये जो ये है इसमें खर्चा कम है? हाँ, इसमें खर्चा कम है। 1600-1700 रुपए किलो का बीज है इसका चियाताई का। अच्छा, और सुभद्रा तो अभी सस्ता हो गया, बहुत सस्ता हो गया, 1000 के अंदर में आ जाएगा आपका। ओके, ये इसका बीज सस्ता है। हाँ, और इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत भी नहीं, बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं है? नहीं बहुत ज्यादा नहीं भैया, मैं तो उसमें आज ही स्प्रे किया हूँ। तो अगर किसी को नया फसल लगाना चाहे कोई, मैं तो अपने हिसाब से सलाह दूंगा कि भैया अगर खेती करना हो तो बरबट्टी और ये आपका डोड़का छोटा मोटा जो बीज वाला आइटम है उसी से शुरुआत कीजिए, आप सुखी रहेंगे। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। नॉर्मली जनरली ना लोग बताते नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है। इसमें खुटा से खुटा का दूरी एक बार बता दीजिए ना, जैसे अगर कोई भैया मेरे हिसाब से मैं 10 फीट होगा। 10 फीट और पौधा से पौधा आप देख रहे हैं कि एक बित्ते में लगा, क्योंकि भैया हाँ उसका कारण है भैया ये ना ज्यादा भरता नहीं है, जैसे सुभद्रा पूरा पैक हो जाता है ना, सुभद्रा हो गया, नामधारी हो गया। अच्छा, और भी जो सीड्स हैं बरबट्टी का। हाँ, वो सारी क्या है पौधा पूरा पैक हो जाएगा, चियाताई नहीं होता, खाली खाली रहता है थोड़ा। अच्छा, इसीलिए मैं इसमें बीज ज्यादा डाला हूँ। तीन नाम आपने ले लिया। हाँ, तीनों में से अगर कोई एक को चुनना होगा तो आप? भैया मैं तो चियाताई को लूंगा अभी फिलहाल, क्योंकि चियाताई जैसा प्रोडक्शन किसी चीज में नहीं है। 5 रुपए किलो में बेच के भी इसमें मतलब कि फायदा कमाया जा सकता है। ओके, ऐसा? हाँ, इसका प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल का है। और सुभद्रा का क्या है मेरा वो 50 डिसमिल जमीन से मेरा 1-2 क्विंटल निकलता है। अच्छा, और यहाँ अगर चियाताई हो जाए तो करीबन 4-5 क्विंटल निकलता है। ये भी एकदम बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने हम लोग। ये जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए बहुत काम की हो सकती है ये वीडियो। इनसे हम लोग फिर से मिलेंगे जब ये खेत भर जाएगा और इसमें से प्रोडक्शन लेने लगेंगे। हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो में।
मिलते हैं, और आप लोग अभी तक देख लिया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।